हेलो गाइस, वेलकम अगेन व्लॉग नंबर 96 में वेलकम करता हूँ आप सब लोगों का। ठीक है, और आप सब लोग कैसे हो? ठीक हो गए? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ठीक है ना, तो वैसे पंखा खुला हुआ, दुआ करूँ कि एसी लगाने के हमारे पास कुछ ना कुछ है पैसे आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखो ना, हमको जो है ना वो गर्मी लगती है अब पंखे के अंदर। अब पता नहीं हमारा है कयामत में क्या हाल होगा, क्योंकि हमारे तो ऐसे है नहीं हमारे। ठीक है ना, खैर एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है ना वो करता हूँ। और ये रहा खीरा, तो आज से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है। ठीक है ना, तो आप लोग भी डाइटिंग करते रहा करो। ठीक है ना, तो ये मैंने धोया नहीं, तो मैं ऐसे खा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है गाइस। और इसके अंदर है मेरी ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी दोनों है। ठीक है ना, तो बस आप लोग बिजी व्यूअर्स चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, और है प्रेस द बेल आइकन भी दबाते रहो। ठीक है, और जो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी है या बिलाल खान अंडर स्कोर क्यूटो, वो उसका मिलेंगे या लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पूछ रहे हो तो कि आप लोगों को ड्रामा फिल्म कमर्शियल ETC के लिए कैसे कैसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं आप, पेड वीडियो या शाउट आउट या कोलेब्रेशन या प्रमोशन के लिए आप लोगों को कैसे कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो भाई इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है बिलाल खान अंडेश कॉल ट्यूटो। ठीक है, वो आइए कि आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, और मुझे आप लोग शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो कि ये व्लॉग नंबर 96 आप लोगों को पसंद आएगा। और इसका कैप्शन होगा कि मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है। ठीक है ना, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है ना, और यार यहाँ पे लाइट लगानी है, बस एक जगह से मेरे पैसे विड्रॉल हो गए हैं, तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए भी। ठीक है ना, और ब्लॉग 3 मिनट का है, इस वजह से मैं लम नहीं कह रहा हूँ, 2 मिनट का आपको पता है कि शॉर्ट में हो जाता है। तो बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है ना, और शेयर भी करते रहो। ठीक है, और इवेंट वगैरह के लिए भी एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग, ड्रामा, फिल्म, कमर्शियल, वेब सीरीज, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म या ब्रांच वीडियो सॉन्ग के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या आप लोग मुझे DM भी कर सकते हो। लेकिन फेक उदाफी वाले या मजाक मस्ती वाले लोग कॉन्टेक्ट ना करें, जो रियल लोग हैं उनके लिए कॉन्टेक्ट करें। ठीक है ना, और देखो मैं कोई फिल्म में शाउट आउट नहीं देता। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी। ठीक है ना, मुझे ड्रामा फिल्म कमर्शियल में एंटी हीरो विलन बनने का चांस नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं इसी तरीके से पैसा कमाऊँगा? हाँ भाई, मैं मुनाफिक हूँ, मैं मतलब ही शख्स हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, एटलीस्ट मैं कैमरे के सामने सच तो बोलता हूँ। ठीक है ना, हाँ भाई मैंने एक नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरी बख्शिश भी ना हो, लेकिन यार ये है कि मैं रियल हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट हूँ। और देखो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो एक हमाम में सारा नंगा ही नंगा होता है। ठीक है ना, तो आप सबको भी बताया। ठीक है ना, अब तो कैमरे के सामने भी नंगे होने लग गए कुछ लोग, क्या करें। कुछ दिन अखबार में रहने के लिए लोग नंगे भी हो जाते हैं, और शेर था ना शब्बर जाओ अपनी का, अब मुझे पूरा शेर तो याद नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए शेर में याद शेर में पढ़ देता हूँ कि ठहराओ तो उसमें था ही नहीं, ठहराओ तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी मैं जितनी देर कपड़े बदलते सोचता वो उतनी देर में मर्द बदल लिया करती थी, और मुझे दुनिया नहीं हुजूर मुझे दुआ चाहिए कि मैं एंटी हीरो विलन बन पाऊँ, और हम सब की मगफिरत हो जाए जब भी हम, और अपने घर वालों को खिलाना सबसे पहले सदका जारिया है, सबसे पहले अपना पेट भरो फिर अपने घर वालों का, क्योंकि देखो दूसरे को नंगा देख के आप अपनी शलवार पैंट नहीं दोगे, जो हकीकत है। ठीक है ना, तो कैमरे के सामने से आप लोग ऐसे बन जाते हैं कि उनसे कोई रियल है ही नहीं, उनके समाज अल्लाह कोई वलीउल्लाह है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर एनीवे, ये मेरे डाइटिंग का ब्लॉग था, और पता नहीं मैं 3-4 महीने के चक्कर में पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे BC वर्ड स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, कुछ इंग्लिश भी आ जाएंगे, और पेड प्रमोशन वगैरह के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि कोई गेमिंग का भी ऐप है तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई DVC को DVC हो, कोई डिजिटल वीडियो कमर्शियल हो या TVC हो, मेन लीड हो, सेकंड लीड हो, कुछ भी, लेकिन अच्छे बजट पे होना चाहिए। और कोशिश करें कि मुझे भी बाबर आजम की तरह यू फोन का, पेंसर डायल का,
या बड़े बड़े कमीशन मिलते चले जाएँ ताकि हम ताकि मैं भी शुएब अख्तर की साल के 100-200 करोड़ कमा पाऊँ हक हलाल तरीके से। और अल्लाह ताला अमीरी दे तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो खर्च करने का दिल भी दे, क्योंकि अबू कहते हैं कि अमीर तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन दिल उनका फिर भी गरीबों वाला ही होता है। और मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि अपनी अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करोगे अमीर हो जाइए आप जो है ना वो क्या बोलते हैं शोर मचो, लेकिन मेरा उल्टा है कि आप इसी दुआ करो कि आप जो ना अमीर होते ही खामोश हो जाओ जब आपकी स्ट्रगल है तो इतना शोर मचो कि भाई हम भी स्ट्रगल हैं हम भी गरीब हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई गरीब हम वैसे पाकिस्तानी जो ना वो हमको अमीर कंट्री में तो पता हो नहीं खेले नहीं मेरे डैडी ने स्टार्ट की मैं जो हूँ हर उसकी खाऊंगा ठीक है ना। और ब्लॉग जो है ना वो 5 मिनट से ऊपर का बन चुका है ऑलमोस्ट 6-7 मिनट तक ही जाएगा ठीक है ना। बस जैसे जैसे आप लोग हैं बड़े बड़े क्रिएटर को फॉलो करते हो वैसे मुझे भी फॉलो करते जो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते अब मैं क्या करूँ आप लोगों ने मुझे फॉलो किया ही नहीं तो मैं घर पे बैठा हुआ ठीक है ना। आप लोग मुझे काम से हम तो वीडियो से हम तक वीडियो ऊपर जो जंग लगवा हुआ वो जंग हर सके ठीक है ना। तो भैया मेरा ये मानना है कि आप जब गरीब हो तो आप इतना शोर मचाओ गरीबी का, और अमीर होते भी आप जो है ना गरीबी का शोर मचाओ, क्योंकि अमीर इंसान आप ठीक है दिखाओ कि आपने बंग लगा ली बैंक बैंक बैलेंस से रखा हुआ लेकिन आप किसी को शो ऑफ नहीं कराओ, क्योंकि आपके शो ऑफ होने से अगर किसी को अगर एहसास से कमजोरी हुआ ठीक है ना और उसने शिकवा किया फिर शिकवा तो अब कोई हर कोई लगने लग गया हर कोई करने लग गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि गरीब हो मैं शादी ना करूँ ठीक है ना, गरीब इंसान पैदा ना हो ठीक है ना, कोशिश करें कि गरीब इंसान शादी भी ना करे अगर शादी अगर इतनी गर्मी है उसके अंदर ठीक है ना। सॉरी आई एम बोल्ड ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं मुनाफिक हूँ मैं सही बोलता हूँ ठीक है ना, आई एम वेरी हिपोक्रेट ठीक है ना। खैर भूख इतनी है तो पूरी दुनिया खा जाऊँ लेकिन पेट वाला दो रोटी में भर जाता, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी और पूरी दुनिया की जो हविश है ना वो आ जाती है। खैर नहीं हुए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ठीक है ना, और मेरी जो है इंस्टाग्राम की आईडी है बिलाल खान _ ट्विटर वहाँ जी के फॉलो करते रहो। और किसी को भी अगर पेड पर प्रमोशन वगैरह कॉन्टेक्ट करना है ठीक है ना तो वो इंस्टाग्राम की आईडी है मुझे बिलाल खान _ ट्विटर वहाँ जी के फॉलो कर ले, या फिर मेरी ईमेल आईडी है मेरी bcoverstyle7sx@gmail.com यहाँ पर भी कोई जो जो रियल लोग हैं वही लोग कॉन्टेक्ट करें और बेहतर है कि इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर लें, या फिर मेरी फेसबुक पे पेज है मेरा बिलाल को जो सुपर स्टार के नाम से वहाँ जाके लाइक फॉलो भी कर लो। और जो मेरी टिकटॉक पे दो आई डी हैं जो मेरी जो भी 3-4 महीने पहले बने उसमें सिर्फ 100 या 120 फॉलोअर है उसका नाम है mohammed.bilalbol। और जो मेरी फर्स्ट आई डी है 48,000 वाली उसको भी आप लोग लाख तक पहुँचाओ ताकि हम केक जल्दी से जल्दी काट सकें ठीक है। उसका नाम है mohammed.bilalofficialbol। और जो मेरी जेको की आईडी का नाम है bilal_24। और जो मेरी थ्रेड की आईडी भी सेम है जो इंस्टा के साथ ही लगती है bilalkhan_ वहाँ से आप जाके फॉलो करते जो ट्विटर पर एक्स हैंडल है मेरा बिलाल ट्विटर के नाम से 1 या 2 फॉलोवर होंगे तो सब पे जाके फॉलो कर दो ठीक है। और खीरा खाओ आप लोग ठीक है और जान बनाओ ओके बाय अल्लाह हाफिज़।